नमस्कार, मैं हूं शिवानी। नॉनस्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश विदेश से जुड़ी खबरें। यूजीसी नेट जून 2024 एग्जाम का रिजल्ट 18 अक्टूबर को घोषित होगा। यह जानकारी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर दी है। परिणाम एनटीए की वेबसाइट yujisineet.nta.ac.in पर ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। फाइनल उत्तर कुंजी भी जारी हो चुकी है, जिससे अभ्यर्थी अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियम में बदलाव करते हुए एडवांस रिजर्वेशन की समय सीमा 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी है। यह नया नियम 1 नवंबर 2024 से लागू होगा, जबकि ताज जैसी कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए कोई बदलाव नहीं होगा। इस निर्णय से अचानक बुकिंग में भीड़ और वेटिंग टिकट की समस्याएँ बढ़ सकती हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा और महाराष्ट्र के तट पर सागर कवच नामक 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास शुरू किया है। इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा खतरों जैसे घुसपैठ, तस्करी और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सामूहिक प्रतिक्रिया का परीक्षण करना है। इसमें विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है, जिससे तटीय सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली, साथ ही उनकी कैबिनेट के अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण किया। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वरिष्ठ बीजेपी नेता शामिल हुए। सैनी ने 24,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटने का वादा किया और महाराष्ट्र तथा झारखंड के चुनावों में बीजेपी का संदेश देने का प्रयास किया। भारत सरकार ने वृद्धावस्था, दिव्यांग और विधवाओं के लिए पेंशन प्राप्त करने के लिए बैंक खाते की आधार सीडिंग अनिवार्य कर दी है। समाज कल्याण विभाग पेंशनर्स से आधार सीडिंग कराने की अपील कर रहा है। पेंशनर्स माई आधार वेबसाइट पर जाकर अपने बैंक खाते की आधार सीडिंग स्थिति चेक कर सकते हैं। इससे पेंशन में कोई रुकावट नहीं होगी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। यह वारंट जुलाई और अगस्त में हुए भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के दौरान सामूहिक नरसंहार के मामलों के लिए है। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने 50 व्यक्तियों के लिए गिरफ्तारी वारंट का अनुरोध किया, जिसमें हसीना भी शामिल हैं। इंडिया पोस्ट जल्द ही देश भर में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP की सुविधा शुरू करने जा रहा है। इस सेवा का लाभ छोटे और मध्यम उद्यमियों, विशेषकर ग्रामीण निवेशकों को मिलेगा। SIP के तहत निवेशक बिना किसी झंझट के ECS के माध्यम से सीधे अपने खातों में राशि जमा कर सकेंगे। यह सुविधा 2.5 लाख डाकघरों के माध्यम से उपलब्ध होगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 18 अक्टूबर को पंजाब के मोहाली में भारत की सदी में नेतृत्व विषय पर भारतीय स्कूल व्यवसाय नेतृत्व शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद 19 अक्टूबर को वे राजस्थान के सीकर में शोभा सरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के रजत जयंती वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। मुंबई से दिल्ली जाने वाले इंडिगो विमान को बम की धमकी मिलने के बाद अहमदाबाद डाइवर्ट किया गया था, लेकिन यह झूठी सूचना साबित हुई। जांच में पता चला कि धमकी एक नाबालिग छात्र ने दी थी। 14 अक्टूबर को आए थ्रेट मैसेज के बाद पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में लिया और उसके साथ एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया। आज भारतीय सराफा बाजार में सोने की कीमत 76,713 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, जबकि चांदी की कीमत 90,568 रुपये प्रति किलो है। बुधवार को सोना 76,553 रुपये था, जो आज बढ़ गया। विभिन्न प्योरिटी के सोने के दाम भी बढ़े हैं, जैसे 995 प्योरिटी वाला सोना 76,406 रुपये हो गया है। सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग पर जल्द सुनवाई करेगा। याचिका में कहा गया है कि शांतिपूर्ण चुनावों के बाद केंद्र को राज्य का दर्जा देने में देर नहीं करनी चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने केंद्र सरकार के बयान का हवाला दिया है, जिसमें राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन दिया गया था। IPL 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले रविचंद्रन अश्विन ने चेन्नई सुपर किंग्स को सलाह दी कि MS धोनी को कैप्ड खिलाड़ी के रूप में रिटेन किया जाए और समीर रिजवी को अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर रखा जाए। हालांकि पूर्व एनालिस्ट प्रसन्ना रमन ने रिजवी के प्रदर्शन पर सवाल उठाया, वहीं अश्विन ने रिजवी की संभावनाओं की सराहना की। सर्वोच्च न्यायालय ने 4:1 के बहुमत से असम में अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने वाले नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। इस धारा के तहत 1966 और 1971 के बीच असम में प्रवेश करने वाले अवैध प्रवासियों को नागरिकता का लाभ दिया गया है। न्यायमूर्ति पारदी वाला ने इसे असंवैधानिक माना। कोर्ट ने बांग्लादेशियों की पहचान और निर्वासन की निगरानी का भी निर्देश दिया है।
भारतीय टीम ने गुरुवार को बैंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर चल रहे पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड के सामने घुटने टेक दिए, जहां उनकी पहली पारी केवल 46 रन पर सिमट गई। कप्तान रोहित शर्मा के टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला गलत साबित हुआ और पांच बल्लेबाज खाता खोलने में असफल रहे। खबर लिखे जाने तक न्यूजीलैंड ने 143 पर 2 का स्कोर बना लिया था। जम्मू कश्मीर के बड़गांव जिले के खैगांव इलाके में सीआरपीएफ की एक गाड़ी सड़क से फिसल गई, जिससे 15 जवान घायल हो गए हैं। घटना गुरुवार को हुई, जब ट्रक सीआरपीएफ 181F कंपनी के कर्मियों को ले जा रहा था। सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत सफल छात्रों के लिए आवेदन की समय सीमा बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2023 कर दी गई है। पहले यह अंतिम तिथि 15 अक्टूबर को थी। विद्यालयों को भी एनसीपी पोर्टल पर पंजीकरण के लिए इस तारीख तक आवेदन करना होगा। जयप्रकाश विश्वविद्यालय में छात्रों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क खोले गए हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के बीच मुख्य टक्कर होगी। जेएमएम कांग्रेस आरजेडी और सीपीआईएमएल के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। जेएमएम 43 से 45 सीट, कांग्रेस 28 से 30, आरजेडी 5 से 6 और सीपीआईएमएलए 3 से 4 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने जेएमएम की पहली उम्मीदवार सूची भी फाइनल कर ली है। जस्टिस संजीव खन्ना को भारत के 51वें चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जो 10 नवंबर को डीवाई चंद्रचूड़ की जगह लेंगे। इसका औपचारिक ऐलान आज किया गया है। उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लिया, जैसे कि अरविंद केजरीवाल को चुनावी जमानत, बिल्किस बानो केस में कड़ा रुख, हिजाब बैन पर रोक, गुरमीत राम रहीम केस और श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद। महाराष्ट्र के नासिक से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि पुलिस ने अजान के समय भजन और कीर्तन करने से रोका है। नासिक पुलिस ने इस वीडियो को फर्जी बताया, कहा कि यह 25 साल पुराना और जानबूझकर संपादित किया गया है। पुलिस ने इसे फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देकर भगवान बुद्ध की विरासत को श्रद्धांजलि दी। यह घोषणा अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस पर की गई, जहां उन्होंने पिछली सरकारों की आलोचना की। मोदी ने बुद्ध की शिक्षाओं को शांति और स्थिरता का स्रोत बताया और सांस्कृतिक पहचान को पुनः प्राप्त करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की नई मूर्ति स्थापित की गई है, जिसमें बदलाव किए गए हैं। अब मूर्ति की आंखों से पट्टी हटा दी गई है और हाथ में तलवार के बजाय संविधान की किताब है और मूर्ति का रंग सफ़ेद है। ये बदलाव सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के आदेश पर किए गए हैं, ताकि यह दर्शाया जा सके कि भारतीय कानून अंधा नहीं है, बल्कि निष्पक्ष और न्यायपूर्ण है। अभिनेत्री नीना गुप्ता पहली बार मलयालम शो 1000 बेबीज़ में नजर आएंगे, जिसका प्रीमियर 18 अक्टूबर को डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर होगा। यह सीरीज़ बड़े पैमाने पर शिशुओं की हत्या की जांच पर आधारित है, जिसमें नीना गुप्ता एक रहस्यमय महिला की भूमिका निभा रही हैं। शो में अन्य कलाकारों में रहमान, जॉय मैथ्यू और इरशाद शामिल हैं। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार टीम अक्षर पटेल को कप्तान बनाने पर विचार कर रही है। पंत 2016 से दिल्ली के साथ हैं और उनके नेतृत्व में टीम ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन 2023 में चोट के कारण वह चूक गए थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग के साथ स्कैमर्स ने एआई जनरेटेड कोड, फिशिंग ईमेल और डीप फेक का सहारा लेना शुरू कर दिया है। वे जीमेल अकाउंट को टारगेट करते हैं, उपयोगकर्ताओं को फिशिंग लिंक भेजकर धोखा देते हैं। पहचान के लिए स्कैमर की जल्दबाजी और व्यक्तिगत जानकारी मांगने पर सतर्क रहें, अपने अकाउंट की सुरक्षा नियमित रूप से चेक करें। सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजी कोच डेल स्टेन ने आईपीएल 2025 के लिए टीम छोड़ने का निर्णय लिया है। उन्होंने यह जानकारी सोशल मीडिया पर दी है, जहां उन्होंने अपनी टीम के प्रति आभार व्यक्त किया। स्टेन ने पिछले सीजन में निजी कारणों से नाम वापस लिया था, लेकिन ऐसे 20 लीग में सनराइजर्स ईस्टर्न कैप के साथ जुड़े रहेंगे। IRCTC ने राजस्थान डिजर्ट सर्किट नामक 6 दिन का टूर पैकेज पेश किया है, जिसकी शुरुआत भोपाल से होगी। इस टूर पैकेज की शुरुआती कीमत 36,000 रुपये है और इसमें रहना और खाना फ्री है। टूर में जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर की सैर शामिल है। बुकिंग IRCTC की वेबसाइट या 9321901862 पर फ़ोन पर की जा सकती है।
आईआईटी कानपुर ने पीएचडी छात्रों के लिए फेलोशिप फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एक्सीलेंस फेयर नामक एक नया फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया है। यह कार्यक्रम समय पर डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी करने और बेहतर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए है। योग्य छात्र अपने शोध पत्रों के प्रकाशन के साथ इस फेलोशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अंतरागनी कार्यक्रम भी शुरू हुआ है जो 20 अक्टूबर तक चलेगा। 2024 का आखिरी चंद्र ग्रहण 17 अक्टूबर को होगा, लेकिन यह भारत में नहीं दिखेगा। इसे आंशिक ग्रहण माना गया है और ज्योतिषी इसे मान्य नहीं मानते। ग्रहण का कोई निर्धारित समय नहीं है और इसके चलते सूतक काल के नियमों का पालन भी आवश्यक नहीं होगा, क्योंकि यह धरती के किसी भाग से दिखाई नहीं देगा। रतन टाटा के निधन के बाद जी मीडिया ने उनकी बायोपिक बनाने का ऐलान किया है। सोशल मीडिया पर लोग रतन टाटा के किरदार के लिए जिम सर्फ, बोमन ईरानी और नसीरुद्दीन शाह जैसे कलाकारों के नाम सुझा रहे हैं। जी मीडिया ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि देते हुए उनके योगदान की सराहना की है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। 3600 अरब डॉलर की मौजूदा अर्थव्यवस्था का लक्ष्य 2047 तक 30,000 अरब डॉलर का है। हालांकि बढ़ती जनसंख्या और निवेश की आवश्यकताओं के कारण चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। भारत 2035 तक वैश्विक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मुकुंद कुमार, नौशाद रेजा, रितु रॉय, मोहम्मद शाकिर हुसैन, राकेश मिश्रा, संजीव कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार बायोपिक बनाने के लिए रतन टाटा का किरदार कौन निभा सकता है, जिम सर्फ, बोमन ईरानी या नसीरुद्दीन शाह? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।